सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं वही काम करेंगी जो सरकार कहेगी। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल, और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं, जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का। ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ये लोग। झूठे मुकदमे लगाने में भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ने जो बैंड बजाया था बीजेपी का, उससे बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले हेमंत सोरेन, उसको समय में और भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी। देखिए, आप तो इन चीजों को बेहतर समझते, देश की जनता बेहतर समझती है। जो सत्ता में रहते हैं वो अपने इस तरह के विभाग का इस्तेमाल करते हैं। एक समय था कि जो भी सरकार में था वो इस्तेमाल करता था, आज बीजेपी 10 कदम आगे बढ़कर के इस्तेमाल कर रही है। आखिरकार इंस्टीट्यूशंस का क्या, क्रेडिबिलिटी क्या बची इंस्टीट्यूशंस की? लोकतंत्र में जो भी सत्ता में आए उसकी जिम्मेदारी है कि इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करें। आज इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी क्या बची? आम लोग ये जानते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का खुलासा हुआ है तब से और जनता जान गई है कि किस तरीके से डरा के धमका के इन्होंने वसूली की है। वो चंदा नहीं है, वो वसूली हुई है। सोचो, हजार हजार करोड़ रुपए कंपनी दे रही है, आखिरकार सत्ता में बैठे उन्हीं को क्यों मिल रहा है पैसा? और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको क्यों नहीं पैसा मिल रहा? क्योंकि वो विपक्ष में है, विपक्ष को चंदा मिलता है और सत्ता में बैठे लोगों ने वसूली की है। और जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से बीजेपी का बैंड बजा है उससे ध्यान हटाने के लिए ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हैं। आप लोग जाने से जेल जाना, एजेंसी बुलाएंगी, लेकिन अब तो चुनाव की तारीख आ गई, अब जो कुछ फैसला लेना है जनता को लेना है। और हमें उम्मीद है कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, एक ऐसी पार्टी जिसने नौजवानों से झूठ बोला। और मैंने कई बार फार्मूला दिया हूं, मैं फिर देता हूं आपको, कि 60 लाख बच्चे परीक्षा लिखे हैं जो परीक्षा नहीं लिख पाए, पेपर लीक के कारण 60 लाख बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, अपना भविष्य नहीं बना पाए। और अगर उनके माँ बाप को केवल हम जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000। और 1,80,00,000 का 80 लोकसभाओं में अगर हम भाग दे देंगे तो 2,25,000 वोट कम हुआ है, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? आपने कहा कि अभी जो एक अलायंस आपके साथ भी था, उन्होंने भी आप पीछे हाथ खड़े किए हैं, तो क्या इसके पीछे लग रहा है कि इस तरह की चीजें? देखिए, कुछ लोग बहुत कुछ चाहते हैं। समाजवादियों की जिम्मेदारी ये है कि बीजेपी से मुकाबला करें। ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोगों को खुश करें। समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराएं, और मुकाबले के लिए, हराने के लिए समाजवादी पार्टी मजबूत अच्छे प्रत्याशी समीकरण के हिसाब से दे रही है। समाजवादी पार्टी ने जिताया, विधायक भी बनाया उनको, उसके बावजूद भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते।